आज एक युवा भाई हमारे बीच में आए हैं, हम उनको जोमोन कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वो हिंदी में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो भी खड़े होकर हमको गाइड करने लगेंगे। बाकी जितने लोग नियमित रूप से आते हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, उन सब का प्रभु में एक बार और स्वागत करता हूँ। आज जो पहली बार आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैंने जैसे पिछले हफ्ते याद दिलाया था और जैसा मैं हर हफ्ते याद दिलाता आया हूँ, संडे शाम का समय बहुत लोगों के लिए मस्ती करने का और वेस्ट करने का होता है। आनंद मगन समय वेस्ट करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। कुछ नहीं करो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, टीवी ऑन करो, पढ़ते रहो, हो जाता है आनंद, हो जाती है मस्ती। लेकिन मेरा सवाल है, 7 दिन हफ्ते में प्रभु ने आपको दिए हैं, इन 7 दिन में कितना समय आपने प्रभु को स्मरण करने के लिए बिताया? आप कहेंगे कि शास्त्री फिलिप, प्रभु को कुछ लोग स्मरण करते हैं, कुछ लोग नहीं स्मरण करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप क्षण भर एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फर्क नहीं है, मेरा जीवन है, उसका भी जीवन है। लेकिन यदि आप सावधानी से लोगों के जीवन को देखेंगे तब एक बहुत बड़ा फर्क पाएंगे। पिछले 20-25 सालों में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा पता लगाया है कि जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो लोग नियमित रूप से प्रभु को समय देते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। पहला अंतर यह है कि वे दूसरों से ज़्यादा खुश रहते हैं। दोनों के जीवन बाहर से देखो, दोनों के जीवन में परेशानी बराबर की है, लेकिन जो प्रभु को समय देते हैं उनका जीवन ज़्यादा खुश रहता है, उनके जीवन में ज़्यादा शांति होती है। और जब जीवन की परेशानियों को आमने सामने देखते हैं तो जो प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं वे लोग बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ मुसीबतों को आमना सामना मुसीबतों का करते हैं। इस कारण मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग अपने घर बार को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आकर कठिन परिश्रम करते हैं जिससे कि आपको रोजी रोटी मिले, आपके परिवार को रोजी रोटी मिले। इस बात का मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने परिवार के लिए ये सब करने का ठान लिया और कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने स्वयं के जीवन में और परिवार के लोगों के जीवन में एक विशेष खुशी और शांति लाने के लिए प्रभु के साथ समय बिताना, नियमित रूप से बिताना ना भूलें। अगले हफ्ते निश्चित रूप से आएँ, हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ इकट्ठे होते हैं। अपने दोस्तों को भी बुला कर लाएँ जिससे कि 4 लोगों को मेरे और आपके कारण कुछ आत्मिक फ़ायदा मिले, जिससे कि उनका ये जीवन और आने वाला जीवन आनंदमय हो सके। पिछले हफ्ते हम एक महान नायक, एक महान लीडर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उस व्यक्ति का नाम है मूसा। अपने समाज में किसी को ईसा या मूसा नहीं सामान्यतः कहा जाता। मध्य पूर्व में आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले जो नाम चलते थे उसमें से एक नाम है मूसा। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का एक बालक था जिसको उस समय दुनिया के सबसे
शक्तिशाली राज्य मिस्र या इजिप्ट के राजमहल में पाला गया था। 3 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मिस्र देश के सबसे बड़े विद्वान, सबसे ज्ञानी लोग, सबसे बड़े इंजीनियर लोगों ने उसको ट्रेनिंग दिया। और इतिहास इस बात का गवाह है कि मूसा की देखरेख में एक बहुत ही बड़ा पिरामिड बनाया गया था। आज भी वैज्ञानिक लोग नहीं जानते कि पत्थर के इन त्रिकोण भवनों की रचना किस तरह से की गई। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ आज से 3,500 साल पहले का इतिहास है। मूसा के जीवन में प्रभु का एक विशेष उद्देश्य था। लोग कई बार सोचते हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए, धार्मिक कर्मकांड के लिए, पुरोहिताई के लिए सौंप दिया है, सिर्फ वे लोग प्रभु की सेवा करते हैं। यह सोचना गलत है। यदि प्रभु ने आपको जन्म दिया है और यदि आपको इस पृथ्वी पर रखा है और यदि आपको अपनी संतान बनाया है तो यकीन जानिए, प्रभु का वचन बार बार इस बात को याद दिलाता है कि आप यदि इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन से प्रभु को कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन है। प्रभु ने आपको एक निश्चित उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ इस संसार में रखा है। वो लक्ष्य आपने समझा क्या? समझना जरूरी है, नहीं तो मुझे और आपको प्रभु ने जो ताकत दी है और जो बुद्धि दी है उसको गलत दिशा में ले जाने की संभावना है। मूसा 40 साल की उम्र होते होते इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि उसकी कौम के लोग मिस्र देश में गुलाम हैं, सताए जा रहे हैं और उन लोगों के छुटकारे के लिए कुछ ना कुछ करना है। इतना उसने सही समझा, लेकिन किस तरह से अपने लोगों को छुड़ाना है इस बात को वो ना समझ पाया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसने एक मिस्री की हत्या कर दी। अगले दिन सारे मिस्र में यह बात फैल गई कि अगला जो बादशाह होने जा रहा है उसने परदेशी के लिए, विदेशियों के लिए, अपनी प्रजा में से एक की हत्या कर दी। उस समय का जो बादशाह था उसने तुरंत इस बात को समझा कि ये आदमी राज्य करेगा तो मेरे लोगों के लिए खतरा है, वो अपने लोगों की सुरक्षा करेगा, और इसलिए मूसा की हत्या करवा देने की कोशिश की। मूसा वहाँ से जान बचाकर भागकर मिद्यान नाम के देश में जाके सेटल हो गए। इतना हमने पिछले हफ्ते देखा था। मैंने ये बात याद दिलाई थी, प्रभु आपके जीवन में प्रभु का एक लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को प्रॉपरली समझ कर ही कार्य करें, अपनी बुद्धि से काम ना करें। एक बात और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी कि आप कौन हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप राजा हों, लाट साहब हों या रंक हों, फूटी कौड़ी आपके पास ना हो, चाहे आप विद्वान हो, चाहे आपकी कोई पढ़ाई लिखाई ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु ने आपको बुलाया है इस बात को समझकर यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार आप चलने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपका उपयोग करेंगे। आप कहेंगे मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, शारीरिक कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना उदाहरण आपको बताया था पिछले हफ्ते, मैं एक और उदाहरण बताना चाहता था। शाम को यहाँ ये गाने जो गाए जाते हैं, ये गाने हमको बहुत आनंद देते हैं, है ना? इन गानों की जिन लोगों ने रचना की थी, इसमें से कई लोग जीवन में बहुत बीमार थे, कमजोर थे। मसीही लोगों के द्वारा गाए जाने वाले लगभग 7,000 गानों की रचना एक ऐसी मसीही महिला ने की थी जो आँखों से देख नहीं पाती थी, अंधी थी, लेकिन उसने रचना की। क्यों? उसके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु उसने समझा। मेरे जीवन में
जिस व्यक्ति ने मुझे बहुत अधिक इंस्पिरेशन प्रोत्साहन दिया है उसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, अलेक्सेंडर क्रूडन। मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा पीड़ित था उस जमाने में जब मानसिक रोगों के लिए कोई दवा नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रभु के ऊपर आश्रय रख के जिस महान ग्रंथ की रचना की, वो आज भी दुनिया में हजारों हजारों दस हजारों लोगों को प्रतिदिन प्रोत्साहन देता है। मैं कम से कम 40 साल से उसका उपयोग करता आ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक इस दुनिया में मुझे रहना है मैं उस ग्रंथ का उपयोग जरूर करूँगा। कौन था? मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति, लेकिन उसने समझा कि उसके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है। मूसा ना समझ पाया, इस कारण भाग जाना पड़ा, 40 साल उसको भेड़ चराना पड़ा। लास्ट टाइम मैंने ये बात भी आपको याद दिलाई थी कि दुनिया में कोई भी जानवर चराना पड़े लेकिन भेड़ ना चराएं, क्योंकि भेड़ सबसे मूर्ख प्राणी होता है। इधर आप बुलाएंगे तो भेड़ जो है उस दिशा में जाएगी, उधर से शेर की आवाज आ रही है तो भेड़ ये देखने के लिए जाएगी कि वो आवाज किसकी है। ऐसे मूर्ख जानवरों को चराने का काम मूसा को 40 साल करना पड़ा। दो कारण, एक, प्रभु की इच्छा को पूर्ण रूप से ना समझकर उसने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया। नंबर दो, प्रभु को यह बात समझ में आ गई कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, लेकिन प्रभु की जनता को, प्रभु की कौम को किस तरह से ले जाकर अगुवाई करनी है वो अभी तक समझ नहीं पाया है। तो प्रभु ने कहा कि पुत्र एक काम करो, अभी कुछ सालों के बाद 10-20 लाख लोगों की अगुवाई तुम्हें करनी है और एक से एक हठी लोग हैं और इस कारण 40 साल तुम भेड़ चलाओ चराओ जिससे कि तुम्हारे मन में ऐसे लोगों को आगे ले जाने के लिए क्षमाशीलता आ जाए। 40 साल उन मूर्ख जानवरों को चराने के बाद एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाइबल के निर्गमन नाम की पुस्तक के 3rd अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ। जिनके पास है वो खोल कर देख लें, जिनके पास नहीं है वो सुन लें, क्योंकि आवश्यक पोर्शन मैं खुद पढ़ कर सुना दूंगा। प्रभु के दूत ने मूसा अपने ससुर इत्रो के भेड़ बकरियां चरा रहा था। प्रभु के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में, जलती हुई आग में मूसा को दर्शन दिया। हम सब जानते हैं कि जलाऊ लकड़ी सूखी नहीं होती है तो आग नहीं पकड़ती है, सब लोग जानते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके सब शहरी जीवन बिताते हैं, लेकिन हम सब गांव से शहर में आए हैं, हम जानते हैं कि बरसात के समय जलाऊ लकड़ी की क्या हालत होती है। लेकिन एक चीज जो हम में से कई लोग नहीं जानते, मैं नहीं जानता था, जब तक मैं 50 साल का नहीं हुआ तब तक नहीं जानता था कि यदि आग धधक रही हो तो उसके बीच में यदि आप हरे पत्ते डाल दें, हरे पत्ते, हरे डंठल, एकदम से गीली लकड़ी डाल दें तो भी वो आग पकड़ जाती है। और गीली लकड़ी एक बार आग पकड़ जाती है तो वो ऐसा आग पकड़ लेती है कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आप सब जानते हैं जंगलों में आग लग जाती है तो उस आग को नियंत्रण करना कितना मुश्किल हो जाता है। जंगल में, अरे जमीन पर सूखे पत्ते हैं लेकिन ये सूखे पत्ते नहीं, खड़े 30 और 40 फुट के पेड़ जलते हैं, गीले पेड़। क्यों? इसलिए कि एक बार लौ अच्छी तरह से, आग अच्छी तरह से धधक जाए
तो उसके बाद हरे पत्ते, हरे डंठल, हरी लकड़ी, गीली लकड़ी एकदम से ऐसे जलते हैं जैसे किसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया हो। और कई बार जब ये आग बहुत बुरी तरह से धधक जाती है, यकीन मानिए उस आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का बम डालना पड़ता है आसमान से, जिससे कि उसको रोका जा सके। मूसा इस बात को जानता था, महान नायक, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो उसने एक दिन देखा कि एक झाड़ी जल रही है। उसने तो आग लगाई नहीं थी, उसके आसपास भेड़ बकरियों के अलावा कोई व्यक्ति नहीं था। इस जंगल में लाकर आग कैसे लगा सकते हैं? तो मूसा को बड़ी जिज्ञासा हुई। मूसा उस पेड़ को देखने के लिए गया कि इस पेड़ में ये क्या हो रहा है। मूसा ने सोचा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी जल क्यों नहीं रही। मतलब आग लग रही है लेकिन पत्ते जल के खाक नहीं हो रहे, लकड़ी जलकर बिल्कुल भस्म नहीं हो रही। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने इस तरह से पेड़ों में आग लगते हुए देखा है, गीले पेड़ों में, जंगलों में। आपके देखते देखते वो गीला पेड़ ऊपर से लेकर जल के नीचे तक राख बन जाता है। मूसा को लगा कि आग लग रही है और इसका एक पत्ता भी झुलस नहीं रहा है, क्या बात है। मूसा पास गया, प्रभु ने देखा कि मूसा इस विचित्र बात को देखने के लिए, इस आश्चर्यकर्म को देखने के लिए चला आ रहा है। तब प्रभु ने उस अग्निमय जलते हुए पेड़ के बीच में से आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा। उस आवाज को सुनकर मूसा एकदम से समझ गया ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, कोई मनुष्य इस तरह से जलते हुए पेड़ के बीच में खड़ा नहीं हो सकता। तुरंत मूसा ने जवाब दिया, हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा, इधर पास मत आओ, नंबर वन। नंबर टू, अपने पैर से तुमने जो सैंडल पहन रखा उसको उतार के हटा के डाल दो, इसलिए कि तुम जिस भूमि पर खड़े हुए हो उस भूमि पर प्रभु तुमसे मुलाकात के लिए उतर आए हैं और इस कारण भूमि पवित्र है और प्रभु के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए पैर से जूतियों को, सैंडल को उतार कर अलग फेंक दो। मूसा ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। उसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, हे मूसा, तुम्हारे जो बाप दादे हुए हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उन सब लोगों ने विश्वास योग्यता से मेरी सेवा की थी और मैंने विश्वास योग्यता से उन लोगों की सुरक्षा की थी। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। इस तरह से प्रभु से मुखामुख भेंट बहुत कम लोगों की होती है और जब इस तरह से भेंट होती है तो एक विशेष प्रकार के अनुभव से होकर गुजरते हैं। मैंने आज तक प्रभु से इस तरह से मुखामुख भेंट तो नहीं की है, लेकिन इस तरह की कई सभाओं में मैं बैठ चुका हूँ जहाँ पर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु ने लोगों को अनुग्रह दिया और जो लोग गा रहे थे वो लोग एकदम से प्रभु के प्रति भक्ति के साथ तन्मय हो गए थे। इस तरह की सभा में जब आप बैठते हैं तो रोमांच हो आता है, हमको मालूम हो जाता है कि हाँ, आज प्रभु हमारे बीच में हैं। इस अनुभव के आधार पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु को साक्षात उसने पाया कि प्रभु मेरे सामने है, उसने अपना मुंह ढांप लिया डर के मारे, आदर के मारे, कि मैं साक्षात प्रभु के दर्शन, प्रभु का दर्शन कैसे कर सकूंगा। वो डरता था, मुंह ढांप लिया। प्रभु ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके निश्चय को, उनके दुख को निश्चय देखा है, मैंने उनके रोने को सुना है,
मैंने उनकी पीड़ा पर मन लगाया है और मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया हूँ जिससे कि उस अपनी प्रजा को छुटकारा प्रदान करूँ। गजब, वो जनता लाखों में जो छुटकारे के लिए याचना कर रही थी, प्रभु ने उन लोगों की याचना को सुन लिया। प्रभु ने कहा कि मैं उनको छुटकारा दूंगा और तुम वह महान नायक हो, वो लीडर हो जो उनको छुटकारा प्रदान करेगा। क्या नायक, 40 साल से भेड़ बकरी चरा रहा है। मैं और आप मानसिक तौर पर जब सोचते हैं तो कई बार लगता है, अरे नायक ऐसा होना चाहिए जो राजमहलों में पैदा हुआ हो या कम से कम किसी लाट साहब के घर में पैदा हुआ हो और जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा हुआ हो। नहीं, प्रभु जब किसी एक व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुन लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। प्रभु ये देखते हैं कि वो मेरे प्रति कितना समर्पित है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद आपने विलियम केरी नाम सुना होगा, अंग्रेज था। उसने हिंदुस्तान की लगभग 24 भाषाओं में बाइबल के एक हिस्से का अनुवाद किया। मतलब उसने अलग अलग भाषाओं की टीमें इकट्ठी की और हरेक को गाइड किया जिससे इन टीमों ने अनुवाद किया 24 भाषाओं में। याद रखें, बाइबल का अनुवाद एक बहुत ही कठिन कार्य है। बाइबल मूल रूप से इसका एक तिहाई यूनानी भाषा में लिखा गया है, दो तिहाई इब्रानी भाषा में लिखा गया है। उन भाषाओं का भारतीय भाषाओं से कोई लेन देन नहीं है। उन भाषाओं में जो स्टेटमेंट है उसको एक्यूरेटली भारत की 24 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्रभु ने उस आदमी का उपयोग किया। उस आदमी का पेशा क्या था? डॉक्टर? नहीं। इंजीनियर? नहीं। लॉयर? नहीं। बहुत बड़ा पहुंचा हुआ किसी भाषा का पंडित? नहीं। विलियम केरी पेशे से मोची था, जूते बनाता था। हम जानते हैं कि सामान्यतया एक मोची से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो किताब लिखेगा, और यहाँ इस व्यक्ति ने अपने देश को छोड़कर 7 समुंदर पार करके एक ऐसे देश में जाकर सेटल हुआ जहाँ लोग ना तो उसकी बोली बोलते थे ना उसके जिस तरह का खाना वो खाता था ना उस तरह का खाना खाते थे, ना वैसा वस्त्र पहनते थे, ना वैसा मौसम था, ना वैसी सुविधाएं थी। जहां मलेरिया के कारण हर साल लाखों लोग खत्म हो जाते थे, टीबी के कारण लाखों लोग खत्म हो जाते थे, पीलिया के कारण लाखों लोग खत्म हो जाते थे, और जहां हैजा प्लेग के कारण लाखों लोग खत्म हो जाते थे, इस तरह के एक देश में जाकर रहा जहां बहुत अधिक समय बीतने से पहले उसकी पत्नी भी गुजर गई। जितने उसने अनुवाद किए थे उसमें से काफी सारे अनुवाद एक बार आग लग के, उस समय बिजली के लट्टू तो होते नहीं थे, बत्ती होती थी, मिट्टी के तेल का लैंप लुढ़क कर गिर गया। उसने अनुवाद करके जो पेपर रखे थे सब जल के राख हो गए। सालों की मेहनत क्षण भर में समाप्त। उन दिनों फोटोकॉपी थोड़ी होते थे कि चार फोटोकॉपी लेके चार जगह रख दिया। अरे फोटोकॉपी तो तब भी नहीं था जब मैं एमएससी में पढ़ता था। आज सब जगह कॉमन हो गया है,
लेकिन आज से 100 साल पहले किसी तरह की सुविधा नहीं थी, उसका सब खत्म हो गया। लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ उस व्यक्ति ने दोबारा काम चालू किया, 24 भाषाओं में या तो नए नियम का या उसके पोर्शंस का अनुवाद उस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ। जैसा मैंने बताया, ना तो लाट साहब था, ना राजा था, ना डॉक्टर था, ना इंजीनियर था, ना लॉयर था, पेशे से ऐसा आदमी जो सिर्फ जूते चप्पल सैंडल बनाना जानता था, महज एक मोची। प्रभु ने उसका उपयोग किया क्या? हाँ। तो इसलिए जब प्रभु ने मूसा को बुलाया तो मेरी और आपकी नजर में लगता है जिसने 40 साल बस एक गांव में रहकर भेड़ बकरी चराई, वो क्या लोगों की अगुवाई करेगा? मेरी और आपकी पढ़ाई, धन, व्यक्तित्व, रोग, स्वास्थ्य, कुछ नहीं। प्रभु सिर्फ एक चीज चाहते हैं, समर्पण। प्रभु ने मुझे और आपको जिस उद्देश्य से बुलाया है, उस उद्देश्य को समझकर, उस उद्देश्य के प्रति मैं और आप यदि समर्पित हैं, तो यदि प्रभु 7 समुंदर पार से एक मोची को लाकर 24 भाषाओं में यदि बाइबल का अनुवाद कर सकता हो, और यदि एक पूरी यूनिवर्सिटी, उस समय हॉलैंड के नियंत्रण में उन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी चालू की थी, एक विश्वविद्यालय, तो मुझे और आपको, जिनको 7 समुंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं और आप अपने लोगों के बीच में, अपने देश में रहते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी बोली बोलते हैं, मैं और आप यदि प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं, तो प्रभु मुझे और आप, मेरे और आपका उपयोग करके सारी दुनिया का तख्ता पलट सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक बात की है, आपको प्रभु ने किस लिए बुलाया, इसको समझें। नंबर 2, प्रभु के प्रति, प्रभु ने आपको जिस बात के लिए बुलाया है उसके प्रति समर्पित हों। आज जितने भाई लोग और जितनी बहनें प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उनसे मैं ये 2 प्रश्न पहले पूछना चाहता हूँ। एक तीसरा प्रश्न भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे ये 2 प्रश्न पूछ लेने दीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हाँ, आप अपना गांव छोड़कर वहां से हजारों दूर जाकर आज केरल में काम कर रहे हैं, लेकिन ये केरल आपका अपना देश है, भारत। यहाँ के लोग वो भोजन नहीं करते हैं जो आप अपने गांव में करते हैं, लेकिन आज वो भोजन यहाँ उपलब्ध है, और कम से कम इस मंडली में आपको 4 लोग ऐसे मिल जाते हैं, लोकल लोग मिल गए हैं जो आपकी भाषा बोलते हैं। आप अपने देश में हैं, आप अपनी भाषा बोल सकते हैं, आप अपना भोजन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यदि ऐसा है, तो यदि उस विदेशी ने इतना किया, तो मेरे और आपके द्वारा प्रभु कितना कुछ कर सकते हैं। तैयार हैं क्या? उसके पहले मैं एक बात पूछूं, आपने समझा है क्या कि प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया? मुझे काफी समय लगा ये समझने के लिए कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। मैं बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु था। 5वें क्लास आते आते सब लोगों ने बोल दिया था कि ये वैज्ञानिक बनेगा। 8वें तक आते आते बिल्कुल मुझे पक्का हो गया था कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। और यकीन मानिए, मेरे सारे लाइफ में मेरी ट्रेनिंग उस दिशा में जाने के लिए हुई है। लेकिन जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तब प्रभु ने मुझे बताया, पुत्र, ट्रेनिंग तो वैज्ञानिक होने के लिए ले लो, ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि
कि तू उस दिशा में ना जाकर मेरी सेवा करे। मैंने कहा, प्रभु आपकी इच्छा हो, मैं तैयार हूं, बस इतना बता दीजिए कि समय हुआ है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मूसा के समान समय से पहले उतर कर मैं मारपीट करूं और बेकार हो जाऊं। प्रभु ने मुझे वेट करने को बोला, 13 साल मैंने वेट किया। 1984 में जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, उस समय प्रभु ने क्लियरली मेरे माँ बाप के द्वारा, मेरी मंडली के द्वारा, मेरी वाइफ के द्वारा, वाइफ के परिवार वालों के द्वारा ये बात स्पष्ट किया कि पुत्र अब वो सही समय आ गया है जब तुझे प्रभु के लिए निकल पड़ना है। क्षण भर भी फिर शंका किए बिना मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर 1984 से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया, अरे प्रभु की सेवा ही करनी थी तो ये सारी पढ़ाई लिखाई क्यों की? गलतफहमी है, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की प्रभु उसका भी उपयोग करते हैं, जिसने पढ़ाई लिखाई की प्रभु उसका भी उपयोग करते हैं। हमारा जो भी बैकग्राउंड है, हमारी जो भी पृष्ठभूमि है, उसका उपयोग प्रभु करते हैं। प्रभु जानते हैं कि उसकी क्या जरूरत है। जल्दी ही ये बात मेरे लिए स्पष्ट हो गया, ये बात स्पष्ट हो गई। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में काम करने लगा, उनके बीच में लेक्चर देने लगा और सब जगह से निमंत्रण आने लगे। आप जानते हैं यूनिवर्सिटी विद्यार्थी लोग बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनके बीच में यदि प्रभु का वचन सुनाना है तो उनके स्तर पर बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तब मुझे ये बात समझ में आई कि प्रभु ने मुझे बैकग्राउंड क्यों दिया। भाई जेफरी, जो आप सबको यहाँ पर बुलाकर लाए हैं, इनकी मदर इंदौर में उस समय यूनिवर्सिटी विद्यार्थी थी जब मैं सेवा कार्य के लिए उतर गया। इस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई। मुझे आज भी याद है, इंदौर वहाँ के विद्यार्थी बहुत ही जिज्ञासु थे। एक बार तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कोई लेक्चर नहीं, प्रश्न, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, 70वां, 80वां। हम 2 जने थे जो उसका जवाब दे रहे थे, एक मैं और एक ब्रदर जॉर्ज डेविड, जो कि फिलॉसफी में बहुत ही हाई लेवल ट्रेन्ड व्यक्ति हैं। क्यों प्रभु ने विज्ञान में मुझे ट्रेनिंग दी, क्यों ब्रदर जॉर्ज डेविड को फिलॉसफी में ट्रेनिंग दी? ऐसा भी समय आता है जब आपके सेवा कार्य में आपकी ट्रेनिंग का उपयोग हो। तो आपका जो भी बैकग्राउंड है, प्रभु उसका उपयोग करेंगे। आपको लगता है कि बैकग्राउंड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। हर समाज में काम करने के लिए अलग अलग बैकग्राउंड की जरूरत होती है और इस कारण आपको जो भी बैकग्राउंड प्रभु ने दिया है, प्रभु उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न मेरे हो गए। नंबर 1, आपके जीवन में यदि आप प्रभु की संतान हैं तो आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है, इस बात को आपने समझी है क्या? नंबर 2, यदि प्रभु की इच्छा आपने समझ ली है तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में आप पूर्ण कर रहे हैं क्या? एक तीसरा प्रश्न जो हर बार मैं पूछता हूँ वो ये है, क्या आपको इस बात की गारंटी है, क्या आपको मालूम है, इस बात का यकीन है क्या कि आप प्रभु की संतान हैं? जी, मुझे यकीन है। मैंने लास्ट हफ्ते ये बात याद दिलाई थी कि आज से बहुत साल पहले जब मैंने अपने फादर से पूछा, पिताजी ईश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, मेरे फादर ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया, पुत्र जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो पापी है। इसी कारण तो बच्चों को बिना सिखाए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, स्वार्थ दिखाते हैं। लेकिन
मनुष्य को उस पाप से बचाने के लिए प्रभु ने स्वयं एक रास्ता खोल दिया है। देखिए, यदि आप गुनहगार हैं, यदि आप अपराधी हैं, तो सजा निश्चित है। दुनिया के कोर्ट भी अपराध करने के 10-10, 20-20, 30-30 साल के बाद लोगों को पकड़ लेते हैं। पिछले हफ्ते मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक आदमी जो केरल में हत्या करने के बाद भाग गया था, 40 साल के बाद वो केरल आया, गिरफ्तार कर लिया गया। यदि मनुष्य अपराधी को सजा देने के लिए 40 साल तक इंतजार करके उसके कदम कदम को देख के उसको अरेस्ट कर सकता है, तो मैं और आप कल जब अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होंगे तब बच नहीं सकते। मैंने आपको कई बार याद दिलाया है, हिंदी का प्रसिद्ध कथन है, आया है सो जाएगा, राजा रंक मतलब कंगाल, फकीर जिसने सब त्याग दिया है, जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। बाइबल उसको एक और स्टेप ज्यादा क्लियर करके बताती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कौन है जो मृत्यु से खेलकर जीत सकता है? कोई नहीं। आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है जिंदगी को खींच कर लंबा करने के लिए, करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं खींच के जिंदगी को लंबा करने के लिए। पिछले दिनों उसमें से 400-500 वैज्ञानिक लोग इंग्लैंड में इकट्ठे हुए, उनसे पूछा गया कि पिछले 20-25 साल से अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए जिंदगी को खींच कर लंबा करने के लिए, बताओ क्या हुआ? तो सबके चेहरे लटक गए। उन्होंने कहा कि अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खींचकर मनुष्य की उम्र को 120 साल किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा प्रश्न ये था कि अच्छा भैया, खींच तान के 120 उसकी जिंदगी कर दोगे, वो स्वस्थ रहेगा क्या? तो उन्होंने कहा स्वस्थ रहना मुश्किल है, स्वास्थ्य अलग है, जिंदगी की लंबाई अलग है। अब तो विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है, आया है सो जाएगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज से 2000 साल पहले बाइबल में ये कथन है कि जो मनुष्य के लिए एक बार जन्म और उसके बाद एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। आज मेरा तीसरा प्रश्न इसलिए यह है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मैं और आप सब जाएंगे, मैं शायद, तुम जितने भाई लोग मेरी वाणी सुन रहे हो, बहनें सुन रहे, शायद तुम लोगों से पहले चला जाऊंगे क्योंकि मेरी उम्र तुम लोगों से ज्यादा है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग यहाँ 1000 साल रहोगे, सब पीछे पीछे मेरी पीछे चले आएंगे और सबको उस सृष्टा के सामने खड़े होना पड़ेगा। क्या होगा, क्या जवाब होगा? प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में ये बात स्पष्ट की थी कि यदि तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे पापों के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर रहा हूँ, और इसको समझने के बाद यदि तुम मुझसे एक वाक्य बोल दो कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ और मैं इस बात को समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया और इस कारण आज मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। लंबा वाक्य है लेकिन एक वाक्य में मैंने सारी बातें कह दी। मैं फिर से दोहरा कर बोलता हूँ, अब तीन वाक्यों में काट कर बताता हूँ। हे प्रभु,
मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि मैं पापी हूँ। दूसरा वाक्य, प्रभु मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि पाप की सजा मृत्यु है। तीसरा वाक्य, प्रभु मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मुझे मृत्यु से बचाने के लिए, मतलब शाश्वत मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से नहीं, शाश्वत मृत्यु से बचाने के लिए आपने अपने जीवन बलिदान किया। चौथा वाक्य, आज मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे लिए किया, मैं आपको मुक्तिदाता मान लेता हूँ। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु से इस तरह से याचना करता है, प्रभु उसको एक नया जीवन देते हैं। आज से 55 से अधिक साल पहले मैंने इस नए जीवन को पाया, तब से मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, आया है सो जाएगा, मैं भी जाऊंगा। लेकिन मनुष्य के लिए न्याय का जो दिन नियुक्त है, उस दिन जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा, शास्त्री फिलिप, तुमने आज से इतने साल पहले मुझे मुक्तिदाता ग्रहण किया था, तुम मेरी संतान हो, इस कारण तुम मेरे साथ सदा सर्वदा रहोगे। उसके बाद जिसकी बारी आएगी, हाँ तुम भी तो उसी मंडली में थे, तुम भी तो वहां जाकर शाम को ये संदेश सुना करते थे, पुत्र बेटी तुमने मुझे मुक्तिदाता ग्रहण किया था क्या? प्रभु जानते हैं कि ग्रहण किया था या नहीं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि हमारे मुंह से वो बुलवाएंगे। क्या जवाब होगा यदि आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया? प्रभु मैंने आपको ग्रहण नहीं किया था, मुझे एक और अवसर दीजिए। प्रभु आपको ये बात याद दिलाएंगे कि बेटे बेटी अवसर एक ही है, जब तुम इस दुनिया में थे वो तुम्हारा अवसर था। कम से कम 10 बार मैंने अपने दास के द्वारा तुमको याद दिलाया कि तुमको एक नए जीवन की जरूरत है, तब क्या कर रहे थे? इस बात को बहुत गहराई से लें। यदि ये बातें आपको और थोड़ा डिटेल में समझना है, ब्रदर क्रिस्टी यहां बैठे हैं, ब्रदर जेफरी, ब्रदर संतोष, ब्रदर बर्नबास, पिछले हफ्ते से भाई बेबी हमारे बीच में आने लगे हैं, ये जबलपुर में थे। बहनों में से कई लोग, उसके अलावा सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें से कई लोग आपको डिटेल में समझाएंगे। ये लोग इसलिए यहां आए हैं कि आप इस नव जीवन को पाकर ही यहां से जाएं। और इस कारण मेरा रिक्वेस्ट है, इस हॉल को जाने से पहले इस बात का निश्चय कर लें कि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। प्रभु आप सबकी मदद करें इस संदेश को समझने के लिए और नए जीवन को पाने के लिए। प्रभु आपकी मदद करें। जय मसीह की।